मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव 13 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। यादव के शपथ समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल पहुंच रहे हैं। इससे पहले मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बंगले पर उनसे सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल 13 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मिलित होंगे। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि कार्यकर्ताओं ने कड़ी निष्ठा और मेहनत से कार्य किया और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कल यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ समारोह में आ रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से अपील करता हूं कि ये हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने जनता के बीच जाकर के जिस प्रकार से प्रचंड जीत हासिल की थी और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मैं प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता का भी आभार मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि कल के शपथ समारोह में हम सब संकल्प लेंगे। मैं इस साक्षी बनने के लिए सबको आमंत्रण आपके माध्यम से दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।